भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार खा रहे बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद को उत्तराखंड सरकार ने बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सोमवार को पतंजलि समूह के 14 उत्पादों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। इनमें पतंजलि आयुर्वेद की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर दिव्य फार्मेसी की मधुमेह की दवा मधुनाशिनी वटी भी शामिल है। इसके अलावा जिन दवाओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें दिव्य फार्मेसी के श्वासरी गोल्ड, श्वासरी वटी, ब्रोंकोम, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवरामृत एडवांस, लिवो ग्रिट और आई ग्रिट गोल्ड भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में लाइसेंसिंग निकाय ने कहा है कि उसने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिव्य फार्मेसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण लाइसेंस रद्द किए गए हैं। बता दें, हरिद्वार में औषधि निरीक्षक जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकार के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश में कहा गया, संबंधित फर्म द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा फर्म द्वारा किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा संबंधित फर्म ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कराए हैं, इसलिए ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159(1) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगाई जाती है। बता दें, पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। गौरतलब है ये कार्रवाई तब की गई है जब योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित माफीनामे में संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई करने जा रहा है। बता दें, पिछली बार कोर्ट की ओर से दोनों को मंगलवार को मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। बताते चलिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने और पब्लिकली एड देकर बाबा रामदेव कई बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब तक बाबा रामदेव के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। आज एक बार फिर से पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुनवाई है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को माफी मिलेगी। मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।